लाडो, वो तो खुद गई थी ना समदन सा के पास उन्हें ये बताने कि तू माँ ना बनने वाली, फिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? मारे को खुद ही समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है मारी गुड़ की डेली। बोल बोल, पानी। वो तो अच्छा हुआ समय रहते समदी से आ गए, वरना तू पता नहीं वो दोनों थारे लिए क्या फैसला ले रहे होंगे। पर तू चिंता मत कर, हाँ वो कुछ भी कहे मैं हूं थारे साथ और हमेशा रहूंगी। आपके और खाटू श्याम जी की वजह से ही ना हमारे को हिम्मत आती, इसीलिए मैं मायूस ना होती। मासा और पापा सा जब तक तुम्हारे लिए फैसले लेते हैं, मैं तब तक अपने घनकोर की बिदाई करके आती हूँ। मैं जाती हूँ। लाडो तू बुलबुल, तू पागल हो गई है क्या? यहाँ घर से तेरी विदाई की बात चल रही है और तू, तुझे घनकोर की विदाई की पड़ी है? बस और पापा सा के फैसलों पर तुम्हारा कोई बस ना है जीजी, लेकिन ये घनकोर की पूजा ये मैंने बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ की थी, तो मैं उनकी विदाई भी अच्छे से करूंगी। हो सकता है अब भगवान जी हमारे को हमारी मुसीबतों का कोई सही रास्ता दिखाएंगे। ले, उठा वीर का फोन और बता दे उसने कि तू क्या करने जा रही थी, बता। तो आप ही बताइए, बुलबुल ने जो धोखा दिया मुझे, झूठ बोला, उसके बाद क्या करती? माफ कर देती उसे? तो वीर को क्या बतावेगी कि तूने उसकी पत्नी को क्यों निकाला? सच बतावेगी कि वीर के मना करने के बावजूद तूने बुलबुल की नई कुंडली बनवाई जिसमें दोष निकला, इस कारण तूने बच्चे की जिद पकड़ ली? और तब जानने के बाद वीर किसका साथ देगा? अपनी पत्नी का जो किसी भी कारणवश अब तक मां न बन पाई, या उस मां का जिसने उसके पीठ के पीछे ऐसा काम करा जिससे सबसे ज्यादा नफरत है उसे? उन्होंने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को समझ सके। सबको लगता है कि हमारे बीच में इतना प्यार है कि हमें कहीं दूर जाकर अकेले रहने की जरूरत है बुलबुल, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि कुछ दिनों में तुम उनका परिवार और उनके बेटे दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जाने वाली। क्या नहीं समझ पा रही हो तुम किस बात के लिए इतनी खुश हो तुम? ऐसा क्यों बोल रहे हो? कैसे बोलूं बुलबुल, जब माँ और पापा हमें यहाँ भेजने की प्लानिंग कर रहे थे, हमसे हमारी राय पूछ रहे थे, तब तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? सिर्फ अकेला वहाँ खड़ा होकर मैं क्यों बोल रहा था कि नहीं पापा नहीं जाना, मैं बिजी हूँ कुछ और, तुमने कुछ नहीं बोला बुलबुल। इनफैक्ट उनके सामने मैंने तुमसे पूछा भी तो था, पूछा था ना कि तुम क्या यहाँ आने के लिए कंफर्टेबल हो, क्या तुम जाना चाहती हो, तुम कुछ तो बोल सकती थी, तुमने कुछ नहीं बोला। वैसे पूरे दिन तुम्हारी जुबान राजधानी ट्रेन की तरह बस चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, और माँ और पापा के सामने तुम्हारी जुबान पे ताल। चलो मत प्लीज, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था, मेरा वो मतलब नहीं था बुलबुल, आई एम सॉरी। कुछ भी कर, डांट मारे को ही पड़ती, अगर मैं यहाँ नहीं आती ना तो मासा मारे को डांट लगाती, और अब आ गए तो आप, भिंडी का यही जीवन है, रोज खाओ डांट। आपको आपको ना ऐसे समझ ही नहीं आएगा खाटू श्याम जी, अगले जन्म में ना इनको बिंदी की जो, तब इन्हें समझ आएगा कि एक बिंदी पर कितना दबाव होता है। मैं तुम पे दबाव नहीं डाल रहा हूँ बुलबुल, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा नहीं है कि हमारे को बिंदी बनना पसंद नहीं, ये तुम्हारा सपना था जो पूरा हो गया, लेकिन बिंदी सिर्फ नाम से नहीं बनते, काम से भी बनते हैं। बड़ों की बात मानते हैं, सर झुका कर खड़े रहते हैं और ज्यादा जबान नहीं चलाते। मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा यहाँ आ ही गए हैं तो इस मोमेंट को थोड़ा सा यादगार बना लेते हैं। दप्पा, दप्पा मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है? मैं आता हूं। हेलो हुकुम, मैं सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा हूँ, आप प्लीज नीचे आ सकते हैं,
छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है फार्म हाउस में कि मदद की जरूरत है। हाँ, मैं आ रहा हूँ जी। जी हुकुम, शुक्रिया। आप कहाँ जा रहे हो? मैं जरा बाहर से आता हूँ, तुम तब तक माल पूरे एंजॉय करो। एसीपी वीर प्रताप सिंह, घर हो गया तू? मारी और मारी बींदनी की स्वागरात नहीं ना मनाने दी थी तुमने, आज देखता हूं मारी स्वागरात मनाने से मारे को कौन रोकता है। हाँ, सब कुछ थारे प्लान के हिसाब से होगा, चिंता मत कर। हाँ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया, पंडित जी भी आ रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा साहब, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा ये काम कर बेटा, मैंने ना वो वीर से जरूरी बात करनी है, दे उसे फोन दे। हेलो हेलो पापा साहब। बिंदनी, हेलो। अरे हेलो हेलो, वो थानेदार साहब। हेलो, अरे इसका फोन भी नेटवर्क से बाहर हो गया, वीर का पहले ही नेटवर्क से बाहर है। मैं कैसे रोकूं वीर ने वो दवाई वाले लड्डू खाने से? अरे ये मौसम इतना बिगड़ क्यों रहा है? लगता है थानेदार साहब आ गए। तू नहीं समझता? मैं समझता हूँ माँ, ये देखिए, मैं ही समझता हूँ, क्योंकि ये सब एक भाई के नजरिए से भी देखा है मैंने। मैं समझ सकता हूँ माँ, वानी की जिंदगी का एक गलत फैसला और उसका बचपना, उसकी मासूमियत उसने पूरी जिंदगी के लिए खो दी। और सिर्फ मासूमियत नहीं खोई, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, क्योंकि उसने एक गलत इंसान पर भरोसा किया और उसका इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा धक्का लगा कि वो ना उसे मानसिक रूप से झेल पाए, ना उसका दिल ये बात झेल पाए, ना उसका शरीर ये बात झेल पाए। और आज वो जिस तरह अपने कमरे में, हम सब उसके हालात जानते हैं माँ। अब बताइए इसमें किसकी गलती थी? मेरी बहन की गलती थी, मेरी गलती थी, आप लोगों की गलती थी, उस लड़के की गलती थी, किसकी गलती थी माँ? मैं माँ हूँ, मैं डर गई थी। तेरे जीवन को लेकर, तुझ पर आने वाले किसी भी पिता को लेकर मैं डर गई। आप डर गई थी क्योंकि आप मेरी माँ है, आप मेरी परवाह करती है। हाँ। लेकिन आप तो बुलबुल की भी माँ है ना माँ? क्या आपने बुलबुल से एक बार पूछा कि बुलबुल बेटा क्या तू तैयार है इन सब चीजों के लिए? क्या तुझसे हो पाएगा? बुलबुल, मैं जो तुझसे करने के लिए कह रही हूँ क्या तू कर सकती है? क्या आपने एक बार भी बुलबुल की राय जानने की कोशिश की? मैं जानता हूँ माँ आपको मेरी बहुत परवाह है, लेकिन बुलबुल भी तो किसी की बच्ची है, उसमें भी तो किसी की जान बसती है ना माँ, कैसे उसके साथ ऐसे? मैंने तो आज तक अपने बाबा साहब को मारी गुड़ की ढेली के ऊपर बस हाथ उठाते देखा था, लेकिन थानेदार साहब तो मारे लिए आवाज उठा रहे। काश सारे पति उनकी तरह अपनी पत्नियों का सम्मान करते। थानेदार साहब सच में अलग है।